आज बॉक्स ऑफिस पे पठान मूवी को 27वां दिन स्टार्ट हो चुका है और पठान मूवी का अभी भी प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। पठान मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ बुकिंग चल रही है। जैसे कि आपको पता, फ्राइडे का टिकट प्राइस 110 रुपये था, सैटरडे और संडे का प्राइस टिकट केवल 200 रुपये था और बहुत बड़ा आपको जंप देखने को मिला था। इस वीडियो में आपको डे 1 से लेकर डे 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट दिखाने वाला हूँ एंड यहाँ पे पठान मूवी कौन कौन से मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। कुल मिला के वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है। अब तक बात करें पठान मूवी बॉक्स ऑफिस पर यहाँ पे 1000 करोड़ के क्लब एंट्री कर चुकी है। अभी पठान को चाइना में रिलीज करना बाकी और बांग्लादेश में भी रिलीज करना बाकी है। जब पठान मूवी चाइना में रिलीज होगी तो फिर से आपको एक और बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। मूवी के 27वें दिन में अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज जमा हुआ है, चाहे सिनेमा हॉल्स भीड़ से भरे हुए हैं, लेकिन पठान का कमाई कम हो रहा है क्योंकि टिकट्स का प्राइस बहुत काफी लेस था। अगर बात करें 27वें दिन बहुत अच्छा कलेक्शन रहने वाला है क्योंकि पठान मूवी को चाइना में बहुत जल्द रिलीज किया जाने वाला है। पठान मूवी अब तक इंडिया की बॉलीवुड की सबसे नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉस मूवी बन चुकी है। पहले ये रिकॉर्ड बाहुबली 2 के पास था, लेकिन पठान मूवी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ के ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, जो कि एकदम बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। शायद ही 2023 में कोई मूवी इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। पठान मूवी नॉन हॉलीडेज में इतना कमाई करके इतिहास की टीम सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं पठान का डे 1 से लेकर डे 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस वीडियो को शाहरुख खान के नाम पर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मैं बात करें पठान मूवी यहाँ 25 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट आपके सामने, पठान मूवी केवल 25 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड में 988 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। अगर आप पठान की कमाई को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो पठान मूवी 120 मिलियन यूएस डॉलर कमा चुकी है, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहने वाला है। अब तक पठान मूवी ने 45 मिलियन यूएस डॉलर कमा के बाहुबली और केजीएफ चैप्टर 2 का ओवरसीज ग्रास के रिकॉर्ड को भी तोड़ के ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब तक पठान मूवी यहाँ पे 25 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 988 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड में कमा चुकी है। अभी डे 26 और 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एड करना बाकी है। पठान मूवी ने फर्स्ट वीक के अंदर 364 करोड़ कमाए थे और बहुत सारी ब्लॉक बास्टर मूवीज के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। कुल मिला के अब तक पठान मूवी ने इंडिया साउथ इंडिया से 17, तेमी और तंगुर से पठान मूवी ने 17 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। पठान मूवी को जितना भी कमाई हुआ है ओवरसीज बाहर की कंट्रीज और हिंदी से कमाई हुआ है, पठान को तेमी और तंगुल से ना होने के बराबर कमाई हुआ है। अगर मैं बात करें पठान मूवी का 26 दिन का संडे का स्पेशल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही बढ़िया, क्योंकि टिकट्स का प्राइस 200 रुपये था, लोगों ने भर भर के मूवी को देखा, लेकिन चाहे कमाई थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन फैंस में क्रेज अभी भी बाकी है। सिनेमा हॉल्स में भीड़ अभी भी संडे को बहुत ज़्यादा जमी हुई है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी सिनेमा हॉल में संडे के दिन। अगर मैं बात करें पठान मूवी संडे को कुल मिला के यहाँ पे 20 करोड़ का वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन करने वाली है। यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 26 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करने के बाद पठान मूवी 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर जाएगी और डे 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करने के बाद पठान मूवी 1050 करोड़ का पूरे वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर लेगी। अब जब पठान चाइना और बांग्लादेश में रिलीज होगी तो फिर से एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अगर बात करें 27 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान मूवी का 27वें दिन का कलेक्शन कितना रहने वाला है, पठान मूवी 27वें दिन पूरे इंडिया से पूरे हिंदी से 2 करोड़ का कलेक्शन करेगी। जी हाँ, पठान मूवी 27वें दिन केवल 2 करोड़ का हिंदी कलेक्शन करेगी और पूरे वर्ल्ड वाइड में 6 से 7 करोड़ कमाएगी। अगर यहाँ पे बात करें शहजादा मूवी फ्लॉप हो चुकी जिसका बजट 60 करोड़ था, शहजादा मूवी ने अपने 3रे दिन सिर्फ 20 करोड़ का 3 दिन का कलेक्शन, शहजादा मूवी का केवल 20 करोड़ रहा है। शहजादा कार्तिक आर्यन की मूवी फ्लॉप हो चुकी है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ पठान मूवी 250 करोड़ बजट लगाने की लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करेगी, 1000 करोड़ तो हो चुका है, 1200 करेगी या 1500 करेगी, कॉमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी बात करें केजीएफ चैप्टर 2 एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसका बजट केवल 100 करोड़ था, केजीएफ चैप्टर ने 100 करोड़ लगा के 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में, केवल 100 करोड़ लगा के, और पठान का बजट 250 करोड़ है, पठान मूवी को 1500 करोड़ का कलेक्शन करना चाहिए। अगर ये मैं बात करें बाहुबली 2 का जो बजट 250 करोड़ था और बाहुबली 2 ने भी 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्या पठान मूवी केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली और ट्रिपल आर मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ पाएगी? तो आज के लिए इतना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, लाइक और सब्सक्राइब कर दो फॉर लेटेस्ट वीडियो, आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी, नोटिफिकेशन को सेट कर देना।